नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीजे हेल्थ केयर में। आज पिथौरागढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 संक्रमित मिले। सीमांत जनपद में भी कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी है। पूर्व में संक्रमित मिले 3 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को CMO ने प्रभारी धारचूला CHC को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पूर्व धारचूला के 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इनमें 2 भारतीय व 1 नेपाली नागरिक शामिल था। हल्द्वानी लैब से डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान को इन लोगों के सैंपल नई दिल्ली स्थित NCDC लैब भेजे गए हैं। 2.5 माह पूर्व कुछ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रैंडम सैंपलिंग के बाद तीनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की पुष्टि हुई है। तीनों लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर का कारण डेल्टा वेरिएंट ही था। इसी वायरस के म्यूटेशन का एक वर्जन है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को ही की थी। हालांकि अभी इसके केसेज काफी कम है और रिसर्च सीमित है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी इसके मामले देखे गए हैं। वर्तमान में भारत के 13 राज्यों इसके मामले देखने को मिले हैं। दोस्तों, आज के लिए आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।